मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के रेपुरा रामपुर साह गांव के एक युवक ने प्रेम में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था शादी करेगा, घर बसाएगा, उसे खूब खुश रखेगा, लेकिन हुआ ठीक उसके उल्टा। वह शुक्रवार देर रात लड़की से मिलने उसके घर गया था। दोनों बातचीत कर आगे की योजना बना रहे थे, तभी ना जाने कहाँ से लड़की के घर वाले को भनक लग गई। युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की, इतना मारा कि वह अचेत हो गया। उसकी हालत देखकर लड़की के परिजन डर गए कि अब क्या होगा। इसके बाद उन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत लड़के को लेकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया और उसके परिजन को सूचना दे दी। इसके बाद सभी वहां से भाग गए। लड़के के घर वाले अस्पताल पहुंचे, बेटे की हालत देखकर चीत्कार करने लगे। डॉक्टरों ने भी हर संभव प्रयास किया, लेकिन शनिवार को लड़के की मौत हो गई। मृतक युवक सौरभ कुमार, 22 साल जिसकी उम्र है, उसके पिता मनीष कुमार एक व्यवसाय हैं, बिजनेसमैन है। घटना की सूचना पर कांटी थानेदार कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे। आरोपित पक्ष के सभी लोग घर से फरार मिले। मृतक के परिजन से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। बताया गया कि सोनबरसा गांव की एक लड़की से सौरभ प्रेम करता था, उसी के परिजन ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। थानेदार ने बताया कि मारपीट के क्रम में सौरभ के नाजुक अंगों पर भी काफी चोट लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन के बयान का इंतजार कर रहे हैं पुलिस वाले। हालांकि कुछ बयान सामने आया है, वो आप खुद सुनिए। जी, जब जब हम लोगों ने सुना कि उस बच्चे का घटना हो गया है, उसको मार दिया गया है, तो उनके दरवाजे पर गए। तो दरवाजे पर जाने के बाद में पता चला कि दो चार लोग जो जिसमें एक प्रशांत कुमार, सुशांत कुमार और गौरव, ये सब गौरव वगैरह जो है सो आए थे। और आने के बाद उस लड़के को बुला के, उसे कुछ लड़के से काम है, ले के साथ चले गए। बाद में जो है से इनके पिता जो है सो रुपोली चौक पर थे, वहाँ पर जो है सो लोग आया करीब करीब 7:30 बजे। और आने के बाद वे कहा कि चलिए सो आपसे कुछ बात कर ली है। जब वहाँ पर गए तो उनके बच्चे को जो है सो चौकी पर चादर उड़ा कर लिटाया हुआ था और वह देखने से मृत जैसा लग रहा था। तो वो जो है सो उसके बाद बोले कि से उस कलपट्टी पर पिस्टल, मनीष कुमार के कलपट्टी पर पिस्टल गिरा दिया और कहा कि से जैसे जैसे हम बोलते वैसे वैसे बोलो। बोला कि से हम तुम्हारे लड़के को जीवित सुपुर्द तुमको कर रहे हैं और तुम्हारा लड़का बदमाशी किया, इसलिए कुछ जो है सो मारे हैं। क्या था उससे दिक्कत, क्या था लव एफेयर्स का मामला था जी। वो पहले क्या हुआ था कि से 1 साल पहले भी उसको चाकू को से गोद दिया था, पंचायत हुआ था। जिस पर दोनों गांव के लोग जमा हुए थे और पंचायत हुई थी और पंचायत में जो है सो दोनों के बीच समझौता कराया गया। पंचायत रहेगा कोई नहीं, लड़की कौन है जी? लड़की लड़की जो है वो उसकी जो प्रशांत कुमार की भतीजी है। अच्छा, तो क्या नींद भी काट दी? जी जी, पूरे पूरे बदन को जो है सो कूच दिया गया है, लिंग को जो है सो कूच दिया गया है, उसको काट दिया गया है और हाथ वगैरह जो है सो पैर वगैरह, यहाँ तक कि किडनी उडनी सबको थूर दिया गया है। बेरहमी से मारा गया। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं न्याय मिले। गिरफ्तारी हो जी? हाँ, गिरफ्तारी हो उसका। क्या नाम है आपको? सुरेश कुमार ठाकुर, गांव के जी। क्या कैसे, क्या पूरी बात बताइए। पहले से सर, पहले से जो था, जो सर लड़का लड़की का कुछ बातचीत हो रहा था और उसके बाद आपसी समझौता हो गया। उसके बाद हुआ जब से नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने वे अपने बच्चे को बाहर भेज दिया, वही काम करता था, लड़की के शादी में आया। आपकी लड़की ले आया जी? तो इसी पीरियड में घटना घटा है। क्या घटना हुई? अपने घर पर बुला के ले गया वही सोनवर्षा वाले लोग, प्रशांत जी जिनका नाम है, प्रशांत पांडे, और उनके साथ जो लोग थे दो चार आदमी अपने घर परिवार के ले गए। तो और उसके बाद अपना मारपीट के रखे हुए थे चादर ओढ़ा के, हमने चौक पर आया तो वहाँ पर कैसे न कैसे वो पहुँच गए। वहाँ से कहें कि जरा चलिए थोड़ा आपसे कुछ बातचीत करना है,
और यहाँ आए तो देखे जो चादर ओढ़ाया हुआ है, ज़बरदस्ती पिस्टल भिरा के कान में लिखवाए कि मतलब आपके बच्चे को हम सही सलामत सुपुर्द कर दिया, लिखवाए और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहे कि अपने हम जाके इलाज उलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं, तो बोले कि ना हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में ले कर चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था। कौन लोग मरा? वही प्रशांति लोग मरे। कितनी लड़की थे उनका अफेयर चल रहा था, उनकी कौन सी पर्सन? भतीजी था। भतीजी को चल रहा था कितना दिन? साल भर पहले से तो मालूम था थोड़ा। न्याय क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए सर। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। बेटा का नाम? सौरभ राज। कितना उम्र? 18 साल। कौन घर, कौन गांव घर है आपका? रामपुर शाह काटी जी। मृतक का नाम सौरभ राज। क्या हुआ था, कैसे कैसे घटना संभव हुआ था? जी, सौरभ राज को वहां से फ़ोन करके लड़की के थ्रू बुलवाया गया। सो आओ यहां पे, मतलब तो ये गया तो वहाँ पे उसके सारे फैमिली मिल करके रूम में बंद करके बड़ी बुरी तरह से उसको पीटा गया। पीटने के बाद फिर जब उसका हालत ख़राब हो गया तो उसको खुद से हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, मतलब खुद से ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि अगर उनके दूरा पर से अगर डेड बॉडी मिलती तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती, तो खुद से ले जा करके हॉस्पिटल में, प्रसाद हॉस्पिटल में जा करके भर्ती कर दिए और वहाँ से चले हैं लोग। जी, प्रशांत पांडे हो गए और उनके पूरे फैमिली लोग हो गए, वही लोग उनको पीटे। घर से कितना बजे निकला था, क्या बोल के निकला था? घर से किसी को कुछ बोल के नहीं निकला था, बस उसको कहीं से कॉल आया था तो वहीं पे हो गया। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? हम लोगों को वहाँ से कॉल आया यहाँ पे कि ऐसे ऐसे बात है, तो यहाँ पे सबको फिर जानकारी हुई तो सब लोग फिर यहाँ से गांव के भी लोग थे, घर के कुछ परिजन भी थे, सभी लोग गए तो वहाँ पे देखे तो सौरभ राज की सांसें नहीं चल रही थी। पुलिस आई थी? जी, पुलिस उस टाइम आई थी कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में। घर पे नहीं? जी नहीं, अभी तक घर पे नहीं है। नाम हुआ आपका? निशांत कुमार। निर्मम हत्या है। घटना आज सवेरे काटी थाना के प्रकाश में आया है, एक डेड बॉडी बरामद हुआ है। अभी तक का अनुसंधान से यह बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान प्रारंभ किया गया है, आगे अनुसंधान में और बातें स्पष्ट। प्रथम दृष्टिया सर क्या मालूम चल पाया है? प्रथम दृष्टिया प्रेम प्रसंग में ही यह हत्या की गई है, अभी तक तो यही बताया गया है, आगे और भी जांच से अनुसंधान से कुछ बातें और सामने आ सकती है। प्राइवेट पार्ट काटने की बात कर रहा है। हाँ, ये बात भी सही है, शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, चल रहा होगा और उसके बाद ही और भी बातें समझ में आएगी कि क्या क्या किस तरह की इंजुरी उनके बॉडी पर है। आरोपित की पहचान हो गया, चिन्हित हुई है? FIR प्राथमिकी ही नामजद हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर पुलिस अपना काम कर रही है। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व DGP के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ Phase 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव YouTube चैनल पर।